हेलो फ्रेंड्स, ग्लोबल करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम यहाँ पर मैथमेटिक्स का टोटल ए टू जेड सिलेबस कवर करेंगे। अब आपको इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आपको मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक मिलेंगे और फुल एक्सप्लेन किया जाएगा हर एक टॉपिक को। तो आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले बेटा बात करेंगे पॉलीनोमियल इक्वेशन, क्योंकि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टार्टिंग है वो पॉलीनोमियल इक्वेशन से होती है। इफ ए नॉट ए वन ए टू ए एन आर रियल नंबर्स देन एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस अप टू ए एन एक्स टू द पावर एन कॉल्ड अ पॉलीनोमियल इक्वेशन। मतलब बेटा ये है कि अगर a0, a1, a2, a3, an हमारी वास्तविक संख्याएं हैं तो fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube up to anx to the power n पॉलीनोमियल इक्वेशन हमारी कहलाती है। और यहां पर बेटा जो x की मैक्सिमम पावर होती है, x की बेटा जो मैक्सिमम पावर होती है वो हमारी डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? डिग्री। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि जो इसकी डिग्री है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर इसकी डिग्री कितनी है? n। यहां पर इसकी बेटा डिग्री कितनी है? n। x की जो मैक्सिमम पावर होती है वही डिग्री कहलाती है। और हिंदी में बेटा डिग्री को बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात, घात। तो यहां पर हम लोगों ने देखा x की जो मैक्सिमम पावर होती है उसे हम लोग डिग्री कहते हैं, हिंदी में डिग्री को घात कहते हैं, और घात यहां पर कितनी है? n। अब किसी भी पॉलीनोमियल की जितनी डिग्री होगी, बात बेटा ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पॉलीनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके रूट्स होते हैं। तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं कि यहां पर जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे, नंबर ऑफ रूट्स वो n होंगे। यहां पर जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे, रूट्स को बेटा हिंदी में बोलते हैं मूल। यहां पर जो मूलों की संख्या होगी, मूलों की संख्या बेटा कितनी होगी? n होगी। अब ये जो बेटा मूल हैं, ये हमारे रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। मूल यहां पर हमारे रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, मतलब वास्तविक भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी हो सकते हैं। मगर मूल होता क्या है ये अभी मैं आपको बताता हूं। तो बेटा एक बार फिर से हम लोग समझ लें कि यहां पर जो x की मैक्सिमम पावर होती है, जो x की मैक्सिमम पावर होती है उसे हम लोग डिग्री बोलते हैं, डिग्री हिंदी में बोलते हैं घात, और यहां पर डिग्री हमारी कितनी है? n। जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होंगे, मूलों की संख्या हमारी उतनी ही होगी जितनी हमारी डिग्री है। मूलों की संख्या हमारी उतनी ही होगी जितनी हमारी क्या है बेटा? डिग्री। अब जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया और आपसे पूछ लिया गया बताइए इसकी डिग्री कितनी होगी, तो हमें क्या देखना है बेटा यहाँ पर कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है। कोई भी इक्वेशन आपको दे दी जाए उसमें आपको देखना है कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है। जैसे मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि यहाँ पर देखिए बेटा कि एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स प्लस टू। मैंने पूछा बेटा बताओ इसकी डिग्री क्या है, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे आप देखोगे कि x की मैक्सिमम पावर क्या है। यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? थ्री। यानी कि आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? थ्री होगी। x की जो मैक्सिमम पावर होती है वही हमारी क्या होती है? डिग्री। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा x की जो मैक्सिमम पावर है वो थ्री है, तो यहाँ पर हमारी डिग्री कितनी होगी? थ्री होगी। बात बेटा सबको समझ में आ रही है? कोई भी दिक्कत? फिर से एक बार देख लें कि जो x की मैक्सिमम पावर है, x की मैक्सिमम पावर यहां पर कितनी है? थ्री। यानी कि यहां पर इसकी डिग्री कितनी होगी? थ्री। और यहां पर आप ये भी बता सकते हो कि यहां पर जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे, मूलों की संख्या होगी वो कितनी होगी? थ्री होगी। बात क्लियर है बेटा? अब आगे देखिए, बस एक चीज यहां पर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, डिग्री आप तभी बताओगे जब x की सारी पावर इंटीग्रल हो। डिग्री आप तभी बताएंगे जब x की सारी पावर कैसी हो?
इंटीग्रल पूर्णांक हो, x की सारी पावर कैसी हो, पूर्णांक हो। अगर कोई भी पावर पूर्णांक नहीं है तो पहले आपको उसे पूर्णांक बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको उसकी डिग्री बता सकते हैं। बात क्लियर है? अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहां पर क्वेश्चन नंबर वन में देखिए बेटा क्या दिया हुआ है कि 7x की पावर 1/3 प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यहां पर मुझे बतानी है कि इसकी डिग्री क्या होगी। 7x टू द पावर 1/3 प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यहां पर आपको बतानी है कि इसकी डिग्री क्या होगी। ऑप्शन आपको चार दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब हम इसकी डिग्री कैसे बताएंगे? तो बेटा बहुत अच्छे से देखिएगा, क्या यहां पे सारी पावर इंटीग्रल है? क्या यहां पे सारी पावर इंटीग्रल है? नहीं, सारी पावर इंटीग्रल नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर्स को मुझे इंटीग्रल करना पड़ेगा, और इंटीग्रल करने के बाद हम लोग देखेंगे कि उसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है। जो मैक्सिमम पावर होगी वही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। बात क्लियर है बेटा? तो हम लोग देखते हैं यहां पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर वन का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए बेटा, यहां पे देखिए ध्यान से, दिया हुआ है 7x की पावर 1/3 प्लस 2x माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है और मुझे इसकी बतानी है डिग्री। क्लियर है? तो मैंने क्या किया कि भाई 7x की पावर 1/3 दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 2x। अब ये जो 1/3 है मुझे इसको हटाना पड़ेगा। अब 1/3 को कैसे हटाएं, कैसे हम लोग ये 1/3 को इंटीग्रल बना सकते हैं, कैसे हम इस 1/3 को कंप्लीट नंबर बना सकते हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड क्यूब करना पड़ेगा। तो मैंने इसका बोथ साइड क्यूब कर दिया, तो ये हो जाएगा 7 क्यूब एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 2x की पावर 3। अब अगर आप क्यूब करते हो, करना नहीं है यहां पर आपको, क्यूब नहीं करना, बात ध्यान से सुनिए, क्यूब नहीं करना है, बस इस चीज को आपको अच्छे से समझना है कि अगर हम क्यूब करेंगे तो x की मैक्सिमम पावर क्या होगी। अगर हम क्यूब करेंगे तो x की मैक्सिमम पावर बेटा क्या होगी, 3 होगी। तो यहां पर सीधे आप बोल देंगे कि इसकी डिग्री कितनी है, 3। यहां पर आप सीधे बोलेंगे कि डिग्री बेटा कितनी है, 3। क्लियर है बात? अब बेटा हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, क्लियर? तो द्विघात समीकरण बेटा होता क्या है, यहां पे देखिए, जब हमारे पॉलीनोमियल इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, जब हमारी डिग्री बेटा 2 होती है, जब पॉलीनोमियल इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो यहां पर हम लोग देखें जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0, और यहां पर आप देखें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पर अगर डिग्री 2 है तो इसके रूट्स कितने होंगे, आप मुझे बताइए, इसके रूट्स कितने होंगे, इसके 2 रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो यहां पे आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2 ए।
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। और यहाँ से ये जो x की वैल्यू आई है इसको श्रीधराचार्य मैथड भी बोला जाता है, श्रीधराचार्य जी का नियम भी बोला जाता है। यहाँ पर देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक बार प्लस साइन है और एक बार माइनस साइन है। तो मान लीजिए मैं प्लस वाले को अल्फा मान लेता हूँ और माइनस वाले को मैं बीटा मान लेता हूँ, प्लस वाले को मैं अल्फा मान लेता हूँ और माइनस वाले को यहाँ पे बीटा मान लेता हूँ। तो एक रूट मान लीजिए अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है। यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, एक रूट अल्फा मान लिया मैंने, दूसरा बीटा। क्यों? क्योंकि बेटा एक प्लस साइन में एक रूट आएगा और दूसरा रूट आएगा हमारा माइनस साइन में। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में दो चीज़ें हमें मिल रही हैं, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। तो प्लस वाले को अगर मैं अल्फा मान लेता हूँ, माइनस वाले को बीटा, तो यहाँ पर अगर मैं सम ऑफ द रूट्स निकालूँ, अल्फा प्लस बीटा अगर मैं करूँ, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा वो हमारा होता है बेटा सी अपॉन ए। सम ऑफ द रूट्स बेटा हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए। क्लियर है बेटा बात? सम ऑफ द रूट्स यहाँ पर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी अपॉन ए। क्लियर है बेटा? अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो सम ऑफ द रूट्स है अल्फा प्लस बीटा वो क्या है, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि जो हमारा सम ऑफ द रूट्स होता है वो बी पर डिपेंड कर रहा है और ए पर डिपेंड कर रहा है, ये सी पर डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा माइनस बी अपॉन ए है ये इंडिपेंडेंट ऑफ सी होता है। और यहां पर अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये हमारा सी पर डिपेंड कर रहा है और ए पर डिपेंड कर रहा है, ये हमारा बी पर डिपेंड नहीं करता। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ बी। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इंडिपेंडेंट ऑफ सी होता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इंडिपेंडेंट ऑफ बी होता है। बेटा बात क्लियर? अब देखिए यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू जीरो। और अभी हम लोगों ने देखा कि अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो यहां पर अगर मैं ए से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए दिस इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं चाहूं तो बी अपॉन ए की जगह लिख सकता हूं माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दिस इज इक्वल टू जीरो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जिसे हम बोल रहे हैं सम ऑफ द रूट्स और अल्फा इंटू बीटा जिसे हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ। देखिएगा बेटा ध्यान से कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिस इज इक्वल टू जीरो। यानी कि मैं इक्वेशन को लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मूलों का योगफल, क्या बेटा मूलों का योगफल, सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मूलों का गुणनफल दिस इज इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर मुझे रूट्स पता है, अगर मुझे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता है, तो मैं बहुत आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू जीरो। बात क्लियर है बेटा? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर टू।
क्वेश्चन नंबर टू में देखिए बेटा क्या दिया हुआ है, द इक्वेशन हूज रूट्स आर माइनस फोर कॉमा माइनस टू। एक हमें ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स माइनस फोर और माइनस टू, एक हमें ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स माइनस फोर और माइनस टू है। तो अभी मैंने आपको बेटा बताया कि अगर मुझे रूट्स पता है और मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन बेटा। देखिए ध्यान से, यहां पर मैंने रूट्स हमें क्या दिए हुए हैं, माइनस फोर और माइनस टू। तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स यहां पर बेटा कितना है, माइनस फोर और माइनस टू दोनों को जोड़ दें तो कितना मिलेगा, माइनस सिक्स। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहां पे कितना है, चार दूनी आठ। अब अगर मुझे इक्वेशन निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर बेटा देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना है, माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है, एट, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट, दिस इज इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर आप देखो तो हमारा ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट दिस इज इक्वल टू जीरो हमारा सही है। तो यहां पर हम लोग एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लेते हैं। एक हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स हमें पता हैं, रूट्स हमारे गिवन हैं माइनस फोर और माइनस टू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, माइनस फोर माइनस टू दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड किया तो हम लोग को मिल गया माइनस सिक्स। और जब हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जब हम लोग निकाल रहे हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल गया, एट। अब हम लोग सीधे इसको उठाकर ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी यहां पर रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना है, माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है, एट इज इक्वल टू जीरो। तो इजिली हमारी इक्वेशन मिल गई, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। अब इसको आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये तो काम हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं भाई, सीधे ऐड करने में क्या दिक्कत है, माइनस फोर माइनस टू ऐड करेंगे माइनस सिक्स होगा। अब हमें मालूम होना चाहिए कि हम लोग को इस जो वैल्यूज आ रही है उसको कहां पर रखना है, सीधे रखेंगे डायरेक्ट हम लोग आंसर टिक कर देंगे यहां पर। ओके बेटा बात क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, यहां पर हमें इक्वेशन दी गई है जिसके रूट्स हैं पी और क्यू। तो यहां पर अगर हम लोग सम ऑफ द रूट्स निकालें पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा, और पी इंटू क्यू कितना हो जाएगा, पी इंटू क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। पी प्लस क्यू कितना होगा, माइनस पी, माइनस बी अपॉन ए होता है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए। सम ऑफ द रूट्स बेटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बेटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो यहां पे अगर हम लोग देखें इसको, मैं क्यू को इधर ले आता हूं तो यहां पे आ जाएगा बेटा क्यू पी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। और यहां पे अगर हम लोग देखें तो एक बार आ रहा है पी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और q इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं p की वैल्यू 1 ले रहा हूं, अगर मैं p की वैल्यू 1 ले रहा हूं, 1 मैंने उठा करके यहां पे रख दिया, इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में p की वैल्यू मैं उठाकर यहां पर रख दूं तो कितना आ रहा है आप देखिए जरा, 1 प्लस q इज इक्वल टू माइनस 1, यानी q इज इक्वल टू माइनस 2। और अगर मैं q की वैल्यू 0 ले रहा हूं, अगर मैं q की वैल्यू 0 ले रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 में मैं रख रहा हूं फिर से, तो अगर मैं q की वैल्यू 0 ले रहा हूं तो यहां पर बेटा देखो कितना आ रहा है, p प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस p, यानी p बराबर 0 आ रहा है। यानी कि मुझे यहां से पता चला p की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक p की वैल्यू आ रही है 1 और एक p की वैल्यू आ रही है 0, यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी पार्ट। एक बार p की वैल्यू 1 आ रही है और एक बार p की वैल्यू बेटा क्या आ रही है, 0 आ रही है, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी पार्ट। ओके चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, इफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन mx स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हिंदी में अगर इसको समझें कि अगर इस इक्वेशन जो mx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है,
इसके मूलों का गुणनफल माइनस वन है, इसके मूलों का गुणनफल कितना है माइनस वन, देन आपको बताना है m का मान क्या होगा। हिंदी में समझ लें इसको बहुत अच्छे से, एम एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एम प्लस टू एम माइनस वन, ये जो इक्वेशन आपको दी गई है इसमें अगर मूलों का गुणनफल माइनस वन है तो m का मान क्या होगा ये आपको बताना है। अब इसका सॉल्यूशन आप देखें, इक्वेशन आपको दी गई है एम एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एम प्लस टू एम माइनस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो, और यहां पे जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो माइनस वन है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए बीटा, तो हम लोगों ने लिखा सी अपॉन ए, टू एम माइनस वन अपॉन एम, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना दिया गया है माइनस वन, अल्फा इंटू बीटा जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है सी अपॉन ए वो हमें कितना दिया गया है माइनस वन, तो यहां से अगर हम लोग एम की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा टू एम माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एम, एम को इधर ले आए तो हो जाएगा थ्री एम इज इक्वल टू वन, और एम की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी वन बाय थ्री, यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही है बी पॉइंट। फिर से एक बार समझ लें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मूलों का गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए माइनस वन गिवेन है आपको क्वेश्चन में, यहां से आपने सॉल्व करके एम की वैल्यू निकाली जो कि आ रही है वन बाय थ्री। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।